श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमात भक्ति वेदांत नारायणेति नाम्ने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः युक्तं वरं वरेण्यं पुरुष महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानं च पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्यज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाभ सिद्धांत दंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबुधे पादमुजायते नमः। नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगबरायते गौर आविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्यवत्यै नमो नमः। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादां भजौ श्रीराधा मदन मोहनौ। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठलिभि सेवमान स्मरामि। श्रीमान रासर सरंभि बंसीवाट तदस्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपि गोपीनाथ श्रीअस्तु न। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। दवनाळ सम संसार दहनी दग्ध जीव कुला उधर तारणी करुणा बारिद कृपा बारिदाने बंदिसे गुरु शरण कमल नितरी Yeah.
जीव जाग जीव Yeah.
जय जय हरि नाम का। जय जय हरि नाम चिदानंद अमृत। उधर घुमा दो इसको। 104 पर तत्व अक्षर Yeah.
Oh,
Thank you.
समझियो सब्जी में कि नहीं है इसमें कि तुम लोग कथा सुना आज, वो दोनों नहीं हो तबीयत खराब है आज, तुम लोग सुना लो फिर कल मैं फिर यहाँ से ठीक है तुम बोलो। हाँ हाँ तुम कर फिर कल कथा, कल कथा तुम भी रेडी है उसको उधर कर दो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग धर्म को उल्लंघन करने पर भी अगर कोई भगवत चरण में शरणागत हुआ है भगवान उनको भी पालन किया इसको जैसे जैसे बता देना पोषण है उसके बाद में क्या और कुछ है बोलो उसका मतलब बताओ। कहाँ जा रहे हाँ कहाँ जा रहे काफिल इसका मतलब है पोषण करना। किसका पोषण जो आपने बताया पोषण का मतलब है पालन करना। फिर यहाँ पर इसमें 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 उदाहरण दे रहे हैं तीन उदाहरण दिया आपने जैसे जैसे पोषण किसको किसको किया है कहते अजामिल जैसे जैसे अजामिल उन्होंने पहले थे सदाचार संपन्न थे लेकिन कैसे कि वेश्या की चक्कर में पड़ करके कैसे वो बुद्धि भ्रष्ट हो गया लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होने पर भी लेकिन उनने केवल अपना बेटा को केवल भगवान को डायरेक्ट नहीं बोला अपना बेटे को उसने नारायण नाम बोल दिया तो उसको क्या हो गया भगवान उसको रखा उसको भी पोषण किया। और जैसे गुरुद्रोही जैसे गुरुद्रोही इंद्र उसने गुरुद्रोह किया गुरुद्रोही किया क्यों गुरु तक देख करके उन्होंने सम्मान नहीं किया लेकिन करने पर भी लेकिन भगवान उसको भी पालन किया गुरुद्रोही को भी पालन किया। जैसे चित्रकेतु महाराज हैं चित्रकेतु महाराज उसको भी उन्होंने शंकर जी को अपमान किया करने पर भी भगवान क्या किया कहते भक्त वात्सल्य है तो हाँ उसको भी भगवान पालन किया। इसलिए ये तीन इसमें उदाहरण दिया है इन लोगों ने गड़बड़ी करने पर भी
लेकिन भगवत नाम को जो आश्रय ग्रहण करते, भक्ति को जो आश्रय ग्रहण करते, भगवान उन्हें भी पालन करते हैं, इनको पोषण करते हैं। इसलिए ये जो अध्याय, ये जो अध्याय को इसको पोषण नाम होता है। ये जिस प्रकार एक व्यक्ति जैसे हम कहते हैं कि जो नरक क्यों किया गया है, इसको शुद्धि करने के लिए, जो पाप से निर्मुक्त करके युवक को दूसरे युग में देने के साधन है। जब परीक्षित महाराज ने नरक के वर्णन सुना, निवृत्तिवान कथित आदम भगवत देखा ब्रह्म योग करते हैं ना ब्रह्मा ये संस्मृति, कहते हैं इस लोक में तो दो पाप, इस लोक में भी व्यक्ति पाप करता है और जब दूसरे लोक में जाता है वहां पे भी वो पाप करता है। तो हर प्रकार से देखा जाता है कि व्यक्ति जो पाप कर रहा है वो फिर बाद में वो प्रायश्चित कर रहा है। ये जितने भी पापों की जो प्रायश्चित है, इसलिए वो विविध साधन को अपनाता है, जैसे चंद्रायन पर ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा वो अपने पापों को समतम द्वारा कर्म मार्ग द्वारा भी पापों को नष्ट कर देता है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान अवलंबन करके पाप को नष्ट किया जा सकता है, किंतु जो पाप की वासना है, जो पाप वृत्ति है, उसको नष्ट नहीं करने हेतु ये प्रयास पूर्ण नहीं है। तो जब सुरगर गोस्वामी कहते हैं कि देखो जब स्वयं को मन सृष्टि होते हैं उसके बाद ये सारे द्वीप वर्ष ज्योतिष चक्र आदि सृष्टि होता है, मनुष्य अपने कर्मानुसार विभिन्न लोगों की आवागमन करता है, पुण्य अनुसार में पुण्य लोक में, पाप अनुसार में पाप लोक को मनुष्य जाता है और भूलोक में एक व्यक्ति हर क्षण क्षण में पाप करता है। तो इन सारे पाप उनमें से कुछ ऐसा पाप है जो जानबूझ के ज्ञान रूप में करता है, कुछ ऐसा पाप है जो उसे पता नहीं चलता और पाप हो जाता है। इसलिए अनाग्रो यातना नियत जन्म व्याकृत मनुष्य सुखदेव गोस्वामी कहते मन वाक्य और सत्य के द्वारा जो सो पाप किया जाता है उसका प्रयास करना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये नरकगामी करा। तो फिर परीक्षित महाराज जी पूछते हैं इसके जो प्रायश्चित है, ये प्रायश्चित आप जैसे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परंतु प्रायश्चित भी कब होना चाहिए? कहते हैं कि गुरु लाघवत गौरवत लाघवत कि जब समय रहते रहते ही पाप को नष्ट हो प्रायश्चित करना आवश्यक है। जैसे कुछ पापों का जैसे प्रायश्चित चार धाम यात्रा करके वो कर सकते हैं, जवानी अवस्था में अगर नहीं हो पाए तो बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा, इसीलिए समय रहते रहते वृद्धावस्था से पहले या सक्षमता से खत्म होने से पहले हमें इनके प्रयास हमें करना पड़ेगा। इसलिए ये जो पाप है, एक व्यक्ति पाप जब करता है उसके बाद वो जब अंजाने में भी उसको पाप होता है और साथ ही साथ जब प्रायश्चित कर लेता है उसके बाद भी उससे पाप हो जाता है। तो अगर देखा जाए जो ये प्रायश्चित है ये तो मनुष्य पूर्ण रूप में मतलब फायदेमंद नहीं हो पाता है, इसीलिए ये प्रायश्चित परीक्षित महाराज जी को भाया है। और सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने क्या कहा, ये वेणु गुणमल अतावत, वेणु गुणमल अतावत मतलब कुंजल शौच कहते हैं, कहते हैं जैसे एक हाथी, हाथी को मानो बहुत अच्छे तरह से स्नान कराता है और स्नान करने के पश्चात जब हाथी अपने स्वभाव से चुत नहीं हो पाते और पैर से रोक करके दूर दूर उठा के अपने शरीर पर डालता है और फिर वो दोबारा दूल्हे दूसरे हो जाता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति पाप करके प्रायश्चित करता है, यानी कि स्नान कर लिया विभिन्न कर्म मार्ग को अपना करके, परंतु ये सारे कर्म मार्ग ऐसे हैं इसको पूर्ण रूप में फायदा नहीं दे पाते। इसे उदाहरण देते हैं जैसे प्रायश्चित स्नान जो श्लोक में कहते हैं कि एक जो सुरा कुंभ है, मदिरा का जो कुंभ है, घड़ा है जिसमें मदिरा रखा गया है, अब इस जो मदिरा रखा हुआ घड़ा की हर गड़ गड़ में मदिरा व्याप्त हो चुका है, उसको
दुनिया में जितने भी पवित्र नदी में डुबो करके उसको अच्छे से धो लिया जाए, परंतु जब जैसे उसके हर कण कण में जैसे जो मदिरा का जो कण है वो घुस चुका है, ठीक इसी प्रकार से कर्म मार्ग द्वारा यहाँ पे जो जितने तीर्थ नदियां को कर्म मार्ग की संज्ञा दिया गया है, इन कर्म मार्ग द्वारा अंदर जो जो अंदर बैठा हुआ जो पाप बीज है अथवा अनर्थ की जो वृत्ति है उसको नष्ट नहीं किया जाता। ठीक इसी प्रकार से जब अनर्थ का बीज नष्ट नहीं होता, बीज रहने पर जो पौधा अपने आप उगाता है। जो उदाहरण देते कहते जैसे बांस का पर है भयंकर आग में जल जाता है, परंतु जब जल करके राख हो जाता है परंतु उसका जो जड़ है वो अंदर रह जाता है। अब अंदर रहा जड़ जब समय आने पर सावन की पानी बरसती है उसके बाद एक तो ऊपर से राख पड़ने के कारण और उपजाऊ हो जाता है और पानी पड़ते ही वो उभर करके अंदर से आता है। ठीक इसी प्रकार से देखा जाता है कि बहुत प्रकार ऐसे परिस्थितियों को सामना न कर पाने के कारण अनर्थ की वृद्धि पाप बीज हृदय में रहने के कारण वो उठ उठ के ऊपर आते हैं। तो इस प्रकार उनको जो ये जो प्रायश्चित है उनको भाया है, इसीलिए उन्होंने कहा केचित केवल वासुदेव परायण अभिम दुर्नुक्ति काश्चन निरहार भास्कर। ये सब जितने भी कठोर कर्मानुष्ठान है ये सब के फल संतोषप्रद नहीं है, ये सब परीक्षित महाराज जी को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो वासुदेव परायण को भक्ति परायण थे और भक्त तपस्या से निरपेक्ष केवल भक्ति के द्वारा ही पाप से पाप को संहार करते हैं। उदाहरण देते हैं कहते हैं जैसे जैसे अगम दुर्नुक्ति काश्चन निरहार भास्कर, कहते हैं जैसे जो सूर्य है सूर्य उदय होते हैं किसी लिए अंधकार को दूर करके ताप देने के लिए, परंतु जगत देखा जाता है जैसे शिशिर ऋतु में कोहरा और हिम राशि को वो अपने आप ही पिघल जाता है। इसका मतलब है जैसे सूर्य पूर्ण रूप में पूर्वाकाश में आए नहीं परंतु सूर्याभास से ही मतलब सूर्य आने से पहले उनके जो छठा किरण जब वो आ जाते हैं अरुणोदय के समय जितने भी अंधकार है ये अंधकार दूर हो जाते हैं, दाकिनी चाकिनी पिशाच भाग जाते हैं, चोर चकार भाग जाते हैं और ये जो कोहरा है ये जितने भी इस प्रकार वो है ये सारे तत्व का विनाश हो जाता है। कि किसी प्रकार से जब एक व्यक्ति वास्तव परण मतलब भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है तब उसके जितने से जितने केवल उसके आभास से भगवत नाम के आभास से ही उसके हृदय में से जितने भी प्रकार पाप बीज अविद्या है वो सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं क्या क्या नष्ट हो जाता है, सबसे पहले कहते हैं कि ये पाप है तीन प्रकार के, पाप पाप बीज अविद्या, पाप फिर दो प्रकार के हैं प्रारब्ध पाप और अप्रारब्ध पाप। प्रारब्ध पाप मतलब जिसका जो कार्य अनुसंधान शुरू हो चुका है जिसको लेकर के मनुष्य अपना शरीर को प्राप्त कर चुका है जितना पुण्य और पाप को भुगतना है, और अप्रारब्ध पाप मतलब जिसका कार्यावस्था भी शुरू नहीं हुआ यानी कि उसका किया जितना भी वो है वो सब वहां पे करते थे उसको अप्रारब्ध पाप कहते हैं। कहते हैं ये प्रारब्ध पाप अप्रारब्ध पाप मतलब जो पिछले जन्म का है और अभी जिसको भोग करने के लिए आया है ये जितने भी सब कुछ है और पाप बीज और अविद्या ये सब कुछ भगवत नाम के आभास से ही भगवान की भक्ति से ही नष्ट हो जाते हैं। कौन सी भक्ति से? केचित केवलिया, कि केवल केवलिया भक्ति से क्या होता है अगम दुर्नति सारे पाप नष्ट होते हैं। अब कहते हैं ये कौन से भक्ति के लिए, तो जीव गोस्वामी यहाँ पे उदाहरण देते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं ये जो भक्ति है ये दो प्रकार की भक्ति होती है। यहाँ पे एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाप बहुत कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जो भगवान की भक्ति है उसकी आभास मात्र से ही वो बड़े बड़े पाप और अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे छोटे से उदाहरण से कहते हैं कि बहुत बड़ा अगर गुब्बारा हो एक छोटी सी सुई चुभो देने पर जैसे बड़ा सा गुब्बारा फूट जाता है, या फिर बहुत रुई का ढेर थोड़ी सी आपकी चिंगारी से जैसे वो मट्टी में मिल जाती है
ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं कि भक्ति, और कौन सी भक्ति बताते हुए कह रहे हैं कि भक्ति दो प्रकार की है, एक संतता और दूसरा है कादाचित की। संतता मतलब सदा वर्तमान, सदा वर्तमान मतलब जो निरंतर और निष्ठामयी, जो निरंतर एक तो निष्ठामयी है और निरंतरता है उसमें, मतलब वो व्यवधान रहित है, किसी भी परिस्थिति में उसमें व्यवधान नहीं आता। उदाहरण देते हैं जैसे जो तैल धारा, मतलब जो तेल या कोई कोई घन वस्तु, घन तरल वस्तु को जिस प्रकार हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं उसमें जैसे कोई भी व्यवधान नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति के, एक जो संतता भक्ति में प्रतिष्ठित व्यक्ति के अंदर बहुत से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी वो व्यक्ति कभी हड़बड़ाता नहीं तथा उसका भक्ति में कभी व्यवधान नहीं आता। तो और निष्ठा भाई, निष्ठा में मतलब पूर्ण रूप में उसमें निष्ठा की जो तत्व है वो आ जाती है, तो इसको कहते हैं संतता भक्ति। और दूसरा है कदाचित की, कदाचित की मतलब कभी कभार देखा जाता है, जो सदा वर्तमान नहीं, मतलब सर्वदा रहता नहीं है, कभी कभी आज भक्ति कर जाता है, कर भक्ति के अंगों को साधन पालन कर लेता है। यहाँ पे संतता भक्ति दो प्रकार के बताए, संतता भक्ति में पहला है आसक्ति मात्र युक्त और दूसरा है रागमयी। आसक्ति मात्र युक्त रागमयी ये तो सबसे ऊपर लेवल का जो भक्ति हो गया, परंतु जो कादाचित की भक्ति मतलब कभी कभार जो भक्ति होती है, यानी कि भक्ति होती है परंतु कभी टूट जाती है, मतलब व्यवधान आ जाता है उसमें, इस ये भी तीन प्रकार के हैं। और उसमें जो सबसे निम्न स्तर का भक्ति है केवल उसी से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो उपरोभोजी चांडाल भी क्यों ना हो। कहते हैं यदि वो केवल किसी भक्ति का सबसे निम्न अंग को पालन करता है, तो इसके ये कादाचित की भक्ति जो है ये भी तीन प्रकार की है। एक है रागभासमयी, रागभास शून्य स्वरूप होता, और तीसरा है आभास रूपा। आभास रूपा मतलब जो केवल आभास है और उसी से ही ये सर्वोत्तम प्रायश्चित इसी से ही हो जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े कर्म अनुष्ठान और ज्ञान अनुष्ठान से जो पाप को नष्ट करने पर भी पाप बीज नहीं नष्ट हो पाता है, यानी कि कर्म और ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट अंग को अवलंबन करने के बाद भी छोटी सी पाप नष्ट होता है केवल, उसके पाप बीज भी नष्ट करने में ये दोनों के साधन सक्षम नहीं है, ये केवल भक्ति की अतिनिम्न जो स्तर है, यानी कि जो आभास मात्र से ही ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका उदाहरण हमने पहले सुना, जैसे सूर्य उदय होने पर ये सारा सब कुछ तत्व नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पे कहते हैं सकृत मनम कृष्ण पदार निवेशित तक गुण राशि यरिय नते यम पात वृद्धश्च तद्घटा स्वप्नेपि न पश्यति हि चिरणानि स्मृतः। जब कृष्ण पाद पद्म में साधक अनुरक्त हो जाता है, उसमें रद्याभास हो जाता है, वो स्वप्न में भी यम दूतों को स्वप्न में भी नहीं देखता, और वास्तव में तो दूर की बात है। तो इस प्रकार के केवल कदाचित की आभास रूपा भक्ति करने मात्र से भी सब कुछ हो जाता है। उदाहरण देते हैं बीच बीच में यदि देखा भी जाता है कोई साधक भक्ति करते हुए पाप भी कर देता है, तो वो कादाचित की भक्ति के अंदर जब आता है भगवान उसके लिए कहते हैं जैसे एक सर्प विषदंत ही न सर्प है, जो विषदंत है सर्प मतलब जब सांप है जिसका उसका स्वभाव है क्या कि वो मारता रहता है और डसता रहता है, पर जब उसका जो जहर के जो दांत है उसको जब निकालते जाता है सांप अपने स्वभाव के कारण तो डसता रहता है, परंतु विषदंत ना होने के कारण उसके अंदर से जो जो जहर है वो निगृहित नहीं हो पाता है, इसीलिए जितना भी मारने उसका कोई लाभ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से यदि देखा जाता है एक भक्त है जो उसका विषदंत मतलब जो अनंत की जो गो है आभास मात्र से ही भक्ति के आभास मात्र से जो निकल चुका है, अब चाहे अगर वो बीच बीच में कभी पाप करने देखा जाता है कि स्वभाव में तो नहीं है कभी हो जाता है, तो भगवान कहते हैं अभिजय शुक्राचारो, जैसे भी कोई बहुत बड़ा दुराचार भी क्यों ना हो परंतु उसको कभी भी निम्न निकृष्ट दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। और इस प्रकार किस किस प्रकार बहुत पाप करने पर भी एक व्यक्ति एक मतलब भगवत नाम के आभास से ही जो मुक्त हुआ है और भगवत प्रेम को प्राप्त हुआ है, तो प्रश्न करते हैं क्या कोई शास्त्र में ऐसा उदाहरण है
तो इसके उदाहरण से इसके उदाहरण में सूर्य रूप में परीक्षित महाराज जी को एक सुनाने जा रहे हैं गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण। हाँ तुम बोलो क्या बोलो। हाँ हरे कृष्ण हरे नगिन नगिन हरे 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 बोलो। अब तुम क्या बोलो जो नहीं सकृत मन कृष्ण पदारविंद जो श्लोक है क्यों तो एक बार भी कोई कृष्ण के पदार बिंद को अपना चित्त को निवेशित करता है हैं उसमें बताओ तो हाँ हाँ तुम बोलो इस श्लोक को बोले याद तुम्हारे कुछ है याद है हाँ बोलो। सक्रिय मन कृष्ण पदार बिंदे हो निर्विशिताम कर गुणरामी ये रहो। इसमें बता रहे हैं सक्रिय मन कृष्ण पदार बिंदे हो कृष्ण के पाद पद्म कैसे हैं उन वो एक कमल पुष्प के समान है और उन पुष्प के सबसे मकरंद का पान कौन करता है वो मन करता है। तो इस मन को अगर किसी ने सक्रिय अर्थात एक बार भी कृष्ण के चरणार बिंद से निकलते हुए मकरंद को पान करा दिया अर्थात भगवत गुणानुरागी मन को मधुकर को भगवान का मकरंद पान यदि करा दिया तो उसको स्वप्न में भी यमदूत का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो यदि स्वप्न में भी उसको यमदूत का दर्शन नहीं करना पड़ेगा तो नर्क जाने की तो बात ही क्या। तो यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि अगर यहाँ पर कह रहे सक्रिय अर्थात किसी ने एक बार भी अगर भगवान के चरणों में अपना मन को नियुक्त कर दिया लगा दिया तो यदि एक बार करने से उसको यम नहीं जाना पड़ रहा तो जो यदि कोई सब समय भगवान का स्मरण करे और यदि उनको कोई भी कथा श्रवण करे उनका ही गुणगान करता रहे अगर मुख से कोई उच्चारण करे तो भगवान का नाम ही हो तो भगवान की कथा ही हो तो उसका क्या फल होगा। और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर केवल मन को भगवान के चरण में नियुक्त करने को कहा यदि किसी विषय का मन यदि किसी का मन विषय है हो तो उसकी ऐसी गति बताई गई है किंतु यदि किसी का मन सब समय कृष्ण में ही आविष्ट रहे तो फिर उसकी क्या गति होगी। इसीलिए गले में कंठी तुलसी तुलसी कंठी धारण करके और माला करने का बड़ा फल बताया गया है इससे सारे प्रायश्चित हो जाते हैं। और जैसे तो यहाँ पर बता रहे कि यदि कोई विकर्म भी देखा जाता है कि भक्तों के यदि कोई शुद्ध भक्ति हो तो उसके लिए क्या भगवान ने बताया शुक्रम भक्ति धर्मात्मा कि शुद्ध भक्ति के अगर उससे कभी विकर्म भी हो जाता है तो धूनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट होगी भगवान ही उनके हृदय में विराजमान होके और उसको सब साफ कर देते हैं। इसीलिए भक्तों के यदि देववत उनके जीवन में कोई इस तरह का विकर्म देखा जाता है तो उससे उससे निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि निंदा करने पर उनकी बुरे उनके बद असर गुण हमारे अंदर आ जाएंगे वो स्वयं तो पवित्र हो जाएंगे किंतु हम में वो गुण अवगुण आ जाएंगे। इसलिए भक्ति में भी एकमात्र इतनी शक्ति है कि उसे पवित्र कर सकती है। इसलिए वहाँ पर बताए अगर केवल एक बार कोई भगवान का चरण में अपना मन को लगा दे अगर इतना फल है अगर कोई केवल एक बार लेकिन हर समय जो मन को लगा कर रखते हैं फिर अगर कोई कान में अगर कृष्ण कथा सुनते हैं तो एक बार मन लगाने पर इतना महिमा आए लेकिन जो अगर कोई कान से कथा सुनते हैं उसका कितना महिमा नहीं हो फिर उसका कितना जो आँखों से फिर ठाकुर को दर्शन करते हैं फिर उसका कितना महिमा नहीं होगा जो घर से चल कर के यहाँ पर मंगला आरती में आते हैं फिर उनका कितना महिमा नहीं होगा। हाँ जो व्यक्ति अपना हृदय से भगवान को स्मरण करते हैं फिर उसकी महिमा कितना नहीं होगा। हैं इसलिए कहते भैया वो फिर वो लोग स्वप्न में भी कभी जमदू को दर्शन नहीं करेंगे जो स्वप्न में नहीं देखे फिर जम महाराज का थोड़ी दर्शन होगा वो तो सीधा के सीधा कहाँ पर जाएंगे भगवान के धाम में वो सबके सब जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भगवत भक्ति की उन्होंने महिमा कह रहे हैं यदि शुद्ध भक्त रही बात बाबा ठीक है अरे क्या तुम बोलो क्या बोलो हो गया ना आज वो लोग है नहीं ना इसलिए कल सुना है।